कोई न्याय की लड़ाई लड़ते हुए, सरकारों से सवाल पूछते हुए, या कोई भी संवैधानिक बात करते हुए जो भी काम कर रहा था, उनको डरा करके उनकी आवाज को रोकने के मकसद से जेल में जो लोग कैद हैं उनको कितनी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है, और जो काम पुलिस का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, गुनाह साबित नहीं है, लेकिन फिर भी इन सारे लोगों को अमानवीय परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है, सुनवाई भी नहीं हो रही है और न्याय भी नहीं मिल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो न्याय है वो हो, और सबको बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए उनकी जो मेरिट है उसके आधार पर न्याय किया जाए। देखिए आज ये किस किस को कैद करूं के नाम से ये कैंपेन है, और दिल्ली में वो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो आज की डेट में जो हक की लड़ाई लड़ते हुए जेल में कैद हैं, जिन्हें किसी झूठे मुकदमे में बिना किसी आरोप के साबित किए या कोई न्याय की लड़ाई लड़ते हुए, सरकारों से सवाल पूछते हुए, या कोई भी संवैधानिक बात करते हुए जो भी काम कर रहा था उनको डरा करके उनकी आवाज को रोकने के मकसद से लंबे समय से बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन सारे लोगों की रिहाई की मांग की गई, और ये उम्मीद की गई इस मुल्क के न्यायपालिका से, संविधान को मानने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है उनसे, कि आप कम से कम आप भी ये देखें कि जेल में जो लोग कैद हैं उनको कितनी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है, और जो काम पुलिस का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, गुनाह साबित नहीं है, लेकिन फिर भी इन सारे लोगों को अमानवीय परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है, उनकी तत्काल रिहाई के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इसमें उन सारे जेल में कैद तमाम साथियों के घर वाले भी शामिल हुए, उन्होंने वो सारे किस्से बताए कि कैसे उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया गया और उनको जेल में बंद किया गया है, और उसके बाद कैसे सुनवाई भी नहीं हो रही है और न्याय भी नहीं मिल रहा है, और इस वजह से यहाँ पर यह उम्मीद की गई कि उन सारे लोगों को तत्काल रिहा किया जाएगा, और कम से कम इस देश में इतना लोकतंत्र तो बचा रहे कि न्याय की जीत हो। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो न्याय है वो हो, और सबको बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए उनकी जो मेरिट है उसके आधार पर न्याय किया जाए, और इन तत्काल तमाम राजनीतिक बंदी हैं, एक तरह से इन सारे लोगों के सवाल राजनीतिक है इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी राजनीतिक है, उन सारे लोगों को रिहा किया जाए, इस मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जी दोनों बातें हैं, एक तो ये कि हमसे अगर ये पूछा जाए कि हमें भरोसा बचा है या नहीं, तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम तो आखिर तक संविधान पर भरोसा रखेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखेंगे, और ये उम्मीद करेंगे तमाम शिकायतों और नाराजगियों के बावजूद हमारी उम्मीद और हमारा भरोसा यही होगा कि संविधान जीते, नियम कायदे कानून जो बने हैं, जो किताबों में लिखे हैं, वो जमीन पर उतरे, और अगर कोई गलत साबित हो रहा है तो आप उसे सजा दें, और अगर कोई गलत नहीं है, गुनहगार नहीं है, तो ट्रायल करो, आप चार्जशीट तो फाइल करो, आप सुनवाई करो, और इसको कम से कम न्याय के भरोसे हम जीतें। अब जितने भी तरह के ये कानून है, इस पर लंबी बहस हो चुकी है, हम जानते हैं कि नियम कायदे कानून किसके लिए होते हैं और उसको कैसे लागू किया जाता है, तो उसको तो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर बोल रहे थे कि एरियल बम्बार्डमेंट हो रहा है, कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं और सेंट्रल से जा रहा है, सरकारें गिर जा रही हैं सर, केंद्र से ईडी सीबीआई जा रही है, वो अपना कुछ नहीं बता पा रहे, तो लोकतंत्र किन जगहों पर बचा है। इसलिए हम जानते हैं कि केस मुकदमे उन सारे लोगों पर किए जाएंगे जो सत्ता से सवाल करेगा या जो हक की लड़ाई लड़ेगा, इसलिए ये सब हो रहा है, और उसका शिकार वो सारे लोग हैं, मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, छात्र है, प्रोफेसर है, ये तो सारे तबके के लोग यहां इस पोस्टर में आप देखें, कोई बचा नहीं है, जो जो जिसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है वो ज्यादा निशाने पर है, वो ज्यादा झेल रहा है, बाकी जो सच बोल रहा है वो हिंदू है, अगर उनकी परिभाषा में कहें
तो हिंदू भी तो जेल में है। प्रोफेसर हैनी बाबू तो ओबीसी समाज में आते हैं, तो ये जो 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 ये प्रोफेसर साई बाबा, वो जो रुपेश है, रुपेश तो आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक पत्रकार हैं, उनकी परिभाषा में तो वो भी हिंदू है। सोनी सूरी कौन है? तो ये सारे लोगों पर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, और इसलिए हम सारे लोगों की रिहाई की मांग करते हैं। नहीं, संख्या संख्या तो वाकई उनकी ज्यादा है, लेकिन अगर समझदारी नहीं है और अगर अफवाह में, झूठ में और एक खास किस्म के विमर्श में हम अगर हम मोहरा बन जाएंगे, कि जैसे अगर आपके सामने कोई हिंदूवादी सरकार आके कहे कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है, अब इस तरह के स्लोगन इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग करें। एजुकेशन पहली बार बात हो चुकी है, कोई कोई पत्रकारिता और मीडिया का कोई सच दिखाने का चेहरा रहा नहीं, तो बहुत सामान्य से लोगों को बरगला करके अपने साथ रखा गया है। हम जैसे लोग, अमन पसंद लोग, ये चाहते हैं कि उन लोगों को ये समझाएं कि कोई धर्म मजहब खतरे में नहीं है, खतरे में इस देश का संविधान है, और ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है जो संविधान को मानते हैं, वो सारे लोग एकजुट हों और सब मिल करके उस संविधान को बचाने की लड़ाई में शामिल। अब मैं आरएसएस प्रमुख को कोई इस ओहदे का व्यक्ति नहीं मानता जो कोई संवैधानिक ओहदा हो जिस पर जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हों। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री अगर कपड़े से पहचानने की बात करें तो मुझे उस पर चिंता होती है, गृह मंत्री अगर बटन वटन दबा करके शाहीन बाग को करंट लगाने की बात करें तो मुझे इस पर चिंता होती है, क्योंकि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, इसलिए मेरी चिंता लोकतंत्र की है। बाकी तो कोई संगठन बना है, उसके प्रमुख है, वो बोलते रहे, वो अपने को कुछ भी करते रहे, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी। हमारी हमारी कोशिश ये है कि भारत का संविधान हर हाल में बचा रहे, कायम रहे, हमें वही सुरक्षा भी देता है, वही उसी से हमें न्याय की उम्मीद है। नहीं, एक बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि 2014 के बाद से ही बंद किया जा रहा है। सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट तो इस सत्ता इस सरकार का नहीं है, वो पिछली बार का है। आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार इस सरकार के पहले भी थे, दलितों के मारे जाने की घटनाएं इस सरकार के पहले भी थी, सांप्रदायिक दंगे और उसमें मुसलमानों को एक खास किस्म से देख करके कहना कि ये तो साबित करो बार बार कि तुम इस देश के, ये सब पहले भी रहा है। इस सरकार में हो क्या रहा है कि ये सब काम बहुत तेज हो गया है और बहुत संस्थानिक हो गया है, और जो संस्थान सरकारों के अलग, जैसे मीडिया, न्यायपालिका, ये किसी सरकार की नहीं होती। हमें शिकायत इससे है कि मीडिया वो सच नहीं दिखा रहे और जो न्यायपालिका है वो न्याय करे, हम ये चाहते हैं। सरकार का चरित्र जैसा है, उनकी विचारधारा वैसी है, वो वैसा काम करेंगे, हम उसके खिलाफ सड़क पर एक अपने नागरिक होने के नाते सत्ता से लड़ाई लड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हम उनसे भी सवाल पूछेंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस देश के संविधान को बचाने की है। स्वतः संज्ञान लेने की जिम्मेदारी इस देश की न्यायपालिकाओं को है, हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के जज स्वतः संज्ञान लेंगे और संविधान को बचाएंगे। बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल है। मैं मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का वो कथन कि उन्होंने कहा कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो उस संविधान कागज का पुलिंदा मात्र है। अब दूसरी बात यह है कि ये बात ठीक है कि उसी संविधान से कुछ सरकारें चुन करके जाती हैं जो जनता के खिलाफ नीतियां बनाती हैं, लेकिन हमारे पास उन सरकारों से लड़ने और सवाल पूछने का हक भी वही संविधान देता है। तो हम ये मानते हैं कि हमें उस संविधान को इसलिए बचाना है ताकि हम अगर कोई जन विरोधी नीति बन रही है, चाहे वो आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, गरीबों के खिलाफ हो, किसानों मजदूरों के खिलाफ हो, हम उसी संविधान को इसलिए बचाएंगे ताकि हम अपने हकों के लिए लड़ सके, और इसी संविधान से हम आदिवासियों के पक्ष में बोलेंगे और जहां भी दमन होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि मेरे सामने एक भारत ऐसा दिख रहा है जिसमें चाकू, छुरी, त्रिशूल, भाला, इस सब की बात करिए और आपके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं हो रहा है, और कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, कोई छात्र है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई, अभी मैंने कहा कि ये अभी की घटना है कि एक मान लीजिए कोई हत्या हो, बलात्कार हो, दंगा हो, अब कोई भी गलत काम हो, अगर उसमें कोई मुसलमान है तो व्यवहार बदल जाता है, मीडिया की बहसें बदल जाती हैं, और अगर कोई और है तो एक खामोशी सी पसरी रहती है। दूसरी तरफ
इस देश में दलितों को समझाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, आदिवासियों को समझाया जा रहा है तुम हिंदू हो, पिछड़ों को समझाया जा रहा है तुम हिंदू हो, लेकिन जब उनकी शिक्षा रोजगार बर्बाद हो रहा है तो कोई हिंदूवादी संगठन बचाने नहीं आ रहा, और उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो कोई बचाने नहीं आ रहा। तो इसलिए साफ दिख रहा है कि शिकार कौन हो रहा है। और अंत में एक विचार होता है, जो विचार कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, कभी अखंड भारत बनाने की बात करता है, वो मूलतः दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, मुसलमान, अल्पसंख्यक विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार और ये देश में बंटवारा करने की नीतियां बना रही है। नहीं, देखिए, किसी भी तानाशाही सरकार का ये एक रवैया होता है कि वो हर तरह से अपने विचार को हावी कराते हैं, कुछ लोगों को डरा करके अपने खेमे में मिला लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा करके। बहुत सारे लोग सत्ता का रंग देख करके कभी पेट्रोल की कीमत पूछा करते थे, और अब वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि जैसे लगता है कि एक पार्टी का प्रचार कर रही हो। तो सिनेमा हो, देखिए, सुरक्षित तो कोई नहीं बचेगा ना। अगर अलग अलग रख करके सब लड़ेंगे या नहीं समझेंगे तो सुरक्षित भी कोई नहीं बचेगा, और इस्तेमाल सबका किया जाएगा, वो चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम हो, उन सबको वो अपने में शामिल करना चाहेंगे।